हे दिस इज़ कामिल एंड यू वॉचिंग कैम डिज़ाइन। सो दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगा आपको कि आप मल्टीपल वीडियोस कैसे ही आप एक सिंगल वीडियो में चला सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 वीडियो या 9 वीडियो, ठीक है, चलानी है, तो आप किस तरह से फ्रेम में चलाएंगे। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, टू गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो दोस्तों, VSDC मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट लूँगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है, जो बहुत ध्यान से लेना है और उसको रिमेंबर रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 38x40 ले रहा हूँ, ठीक है, 38x40 21x60 ले रहा हूँ, ठीक, फिनिश किया मैंने। तो अब मेरी इसकी लेंथ क्या है, ऐसे 38x40 और ऐसे 21x60, मतलब हॉरिजेंटल में 38x40, वर्टिकल में 21x60, ठीक है। तो अगर मेरे को 4 वीडियो लगानी है, ठीक, 4 वीडियो पार्ट में लगानी इक्वली, तो 38x40 है हमारा, तो 38x40 को डिवाइड करेंगे हम 2 भाग में, तो कितना बनेगा, 19x20, ठीक है, 19x20। तो हम पहले अपनी 4 वीडियोस लाते हैं। तो 4 कोई भी वीडियोस आप ले आइए रैंडमली, हमको 4 वीडियोस लानी और उसको बस उसमें रख के एडजस्ट करना है। तो हम 4 वीडियो कोई भी उठा लेंगे, ठीक है। तो ये 4 वीडियो मैंने उठा के ड्रॉप कर ली। आप इसको पार्ट्स में 9 भी डिवाइड कर सकते हैं, एड टू लेयर, ठीक है, 9 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। जब आप अगर ग्रिड ऑन करेंगे तो ग्रिड से आप समझ जाएंगे, जो ग्रिड रूल होता है, ठीक है। तो अब ये मैंने 4 वीडियो ड्रॉप किए, ये 4 वीडियो खुल के आने दो, फिर आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्यों आ गया, इसको डिलीट करो। अब ये 4 वीडियोस आ गई मेरी। तो अब मैं इसको एक के नीचे एक लगा दूँगा, ठीक है। एक के नीचे एक लगा दूँगा। अब मैं इन सब को यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट किया, एडिटर में गया, और ये जो इस कटिंग स्प्लिटिंग टूल है इस पर क्लिक किया मैंने, इसको पहले इस पर एक मिनट इसके लास्ट में लाइए आप, एट दी एंड और सेलेक्ट एडिटर स्प्लिट, बड़ा लैग करता है भाई, यही तो प्रॉब्लम है इसमें सबसे बड़ी। लैपटॉप मैं दूसरा लेने वाला हूँ, देखिए एक ही साथ इसने सारा स्प्लिट कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा आपके पास वो है उसे आपको क्या करना है, उसको आपको डिलीट करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी वीडियो चले सेम ड्यूरेशन पे चले, ठीक। अब ये सब एक ड्यूरेशन पे आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पहली इसको सिलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ठीक है। अभी 38x40 है, इसको आपको क्या करना है, 19x20, ठीक, ये 19x20 हो गई, ठीक है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ठीक, एडिटर, वीडियो इफेक्ट्स,
ट्रांसपेरेंसी। चलिए अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब इसको मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ एडजस्ट किया, इसको बंद कर, इसको लॉक किया मैंने, अगली लेयर मैंने उठाई, ठीक, इसको लॉक किया, उसके नीचे वाली उठाई, ठीक, इसको लॉक किया, उसके नीचे वाली उठाई, ठीक है। अब इसको मैं लॉक, इसको लॉक खोलूँगा, इस पर क्लिक करके इसको, ठीक है, इसको लॉक ऑन किया, इसको लॉक खोला, ठीक, इसका लॉक किया, इसका लॉक खोला, ठीक है, इसका लॉक बंद किया, इसको खोला। देखिए इसका एक और तरीका है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमें पहले एक अलाइनमेंट करना है किनारे पे। तो सिलेक्ट करिए ऑल, राइट क्लिक करिए, सेट साइज एस्पेक्ट रेशियो, ठीक, सब एक साइज में आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उठा उठा के सबको रखना है, ठीक है। अच्छा लॉक है, सॉरी मैं इसमें लॉक कर रखा है, ठीक। इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं चार को, जिस तरह भी आप चाहें, ठीक है। एडजस्ट करने का ये, ठीक, तो ये आपका चार हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसका सबका लॉक ओपन करना है और एक को पकड़ना है, वीडियो एडिटर में जाना है, वीडियो इफेक्ट में आइए, ठीक है, और मेक ट्रांसपेरेंट में आइए, ऑल पेरेंट ओके करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए, डिलीट कर इसको पहले, एडिटर में आइए, वीडियो इफेक्ट ट्रांसपेरेंसी बॉर्डर्स प्रॉपर्टीज, ठीक, ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड करिए और कलर इसका लीजिए वाइट, कलर लीजिए आप वाइट, ठीक है। अब इसकी कॉपी करिए, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पेस्ट इट, नथिंग मोर, पेस्ट इट एंड पेस्ट इट, ठीक। अब इससे आपको और एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबकी बॉर्डर हमने लगा दी, अब इस बॉर्डर की थिकनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी थिकनेस अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ, आपको कम लग रहा हो, तो यहाँ इसकी इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं बॉर्डर की, ठीक है। अब इसको हम प्ले करते हैं, ठीक। अब ये चार वीडियोस आपकी मल्टीपल
उसमें आ गई। तो इसमें मैं एक साउंड लगा लेता हूँ क्योंकि बिना साउंड के मज़ा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जैसे इसका बॉर्डर मोटा है ना, इस तरह आप और भी बॉर्डर मोटे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था और आप लोगों का धन्यवाद। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल पे इंगेजमेंट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं, लोगों में शेयर करें वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।